हे गाइज, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के तरफ से टीडी से पार्ट वन सेशन 22 से 25 के लिए नामांकन के लिए कितने कॉलेजों का विकल्प आप देख सकते हैं। यहीं इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं क्या क्या लगेगा, कब से ऑनलाइन होगा, सभी डिटेल आपको यहीं एक वीडियो में मिल जाएगा। तो भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के न्यूज़ में लिखा हुआ है, सबसे पहले आवेदन के लिए इसी हफ्ते खुलेगा UMSI पोर्टल। स्नातक में दाखिले को छात्र 5 कॉलेज का दे सकेंगे विकल्प। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पार्ट वन में नामांकन लेना चाहते हैं मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में, तो आपको जब ऑनलाइन करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऑनलाइन कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और वीडियो देखना चाहते हैं जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वहां पर मैंने आपको कंप्लीट बताया कि स्नातक पार्ट वन में नामांकन के लिए ऑनलाइन करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना रुपया लगेगा, दोस्तों सभी जानकारी मैंने उस वीडियो में दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस न्यूज़ में मैंने बताया है कि स्नातक में अगर आप नामांकन कराते हैं और जब ऑनलाइन करेंगे तो आपको 5 कॉलेज, जी हाँ दोस्तों, मात्र 5 कॉलेज का ऑप्शन दिया जाएगा। आप अपने मार्क्स के आधार पर कॉलेज चूज कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आप अपने ज़िले में ही चूज कर लीजिएगा 5 कॉलेज, जिस भी कॉलेज में आपका लिस्ट में नाम आएगा उस कॉलेज में जाकर आपको नामांकन लेगा होगा। ठीक है दोस्तों, वो कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द सोल्यूशन देने का कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है। आपका ऑनलाइन के बात किया जाए तो 20 अप्रैल से आपका ऑनलाइन होने की पूरी पूरी चांस है। देखिए कब तक आपका ऑनलाइन होता है, जैसे ही आपका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बनाकर कंप्लीट आपको बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। चले मिलते हैं किसी और नए न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।